दादरी के अंदर गुजरों की सियासत बहुत पिछले 6 महीने से या 3 महीने से कहीं बहुत ज़्यादा गर्म रही है, खासकर मिहिर भोज प्रकरण से। पूरा जो कारण रहा है, गुजरों का गढ़ कहा जाता है, गुजरों का अपमान किया गया सम्राट मिहिर भोज को लेकर। क्या समझते हैं फकीर चंद नागर इस पूरे प्रकरण को? क्या ये पूरा आंदोलन आपके समाज का राजनीति की भेंट चढ़ गया? नहीं, इसमें तो खाली जो माननीय योगी जी हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें तो उनका रोल है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं था। ये तो गुजर सम्राट महीर भोज के नाम से यहाँ लगातार आपने देखा, दिल्ली में, नोएडा में, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, कोई विवाद ही नहीं था। ये तो पता नहीं क्यों योगी जी ने दो बिरादरी को आपस में लड़ा लेने के लिए, जो पुराने वक्त से दोनों बरा सबसे एक साथ रहते हैं, यहाँ कोई कंट्रोवर्सी हमारे ज़िले में कभी कोई, यहाँ जातीय दंगा हुआ नहीं है, ना जाति से कोई मतलब है, सब भाई भाई हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। ये तो कैसे इन्होंने ये कर दिया, और उसकी नाराज़गी जो हो गई है वो गुर्जर समाज को बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने ये सवाल बहुत से नेताओं से पूछा आपकी पार्टी से। बीजेपी जहाँ हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, एकता की बात करती है, तो फिर नोएडा और दादरी में आकर के मुख्यमंत्री जाट और ये गुर्जर और राजपूत की बात आखिर क्यों करेंगे? उनको क्या फ़ायदा है इस बात से कि आप राजपूत बन जाइए सम्राट मीर भोज, या आप गुर्जर बन जाइए, वो ऐसा सियासत क्यों करेंगे? अब वो तो देखो उनकी सोच है, उन्होंने यहाँ कर दिया जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पे आके, जो आपने अभी बताया महीर भोज प्रकरण जो था, गुजर शब्द को हटवा दिया यहाँ से। उससे नेचुरली जो लंबे समय से हमारे गुजर समाज के सम्राट रहे हैं, उनको गुजर शब्द हटा दिया जाए तो वो समाज नाराज़ तो हो ही जाएगा, और समाज नाराज़ भी हो गया जी। लास्ट के टाइम पे जब वो आंदोलन चल रहा था तो पुलिस लाइन में आप लोगों ने भी गिरफ्तारी दी थी, लेकिन दादरी का जो एक पहला जो आंदोलन हुआ था मंदिर के अंदर, जो पंचायत हुई थी, उसके बाद सबको पुलिस लाइन ले जाया गया, उसके बाद लगा नहीं ऐसा कि आंदोलन इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि 31 तारीख की जो कॉलेज में पंचायत हुई थी उसमें वो भीड़ नहीं जुट पाई। तो क्या ये पूरा आंदोलन आपको लगता है सही दिशा में जा रहा था, और अब बहुत साइलेंट तरीके से बैठे हुए सब लोग, कुछ आगे बढ़ नहीं रही है बात? ये तो कई बार राजनीतिकरण हो जाता है किसी चीज़ का। पहले बहुत सही दिशा में था और ऐसा नहीं है, अभी भी वो प्रकरण बंद नहीं है। लोगों की नाराज़गी है, गुर्जर समाज की बहुत बड़ी नाराज़गी है, और इस चुनाव में वो नाराज़गी सामने साफ दिख रही है कि मुद्दा जो है खुल के आएगा, इसी पे गुर्जर समाज जो है इसी पे वोट करने जा रहा है। इसी ये मुद्दे मुद्दा रहेगा समाजवादी पार्टी बिल्कुल, ये के मुद्दा इसलिए रहेगा कि लोगों में आक्रोश है, गुर्जर समाज के लोगों में आक्रोश है, जी वो आक्रोश नज़र पड़ रहा है। ये आंदोलन और कम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्योंकि ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं था। जी हो सके कई लोगों ने पार्टी का बना दिया हो, उनसे लोगों की और लोगों की नाराज़गी होगी हो, यह राजनीतिक लोगों की, तो ये तो राजनीतिक मुद्दा ही नहीं था, यह राजनीतिक था, गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ था, और उसको गुर्जर कभी भूल नहीं सकेगा इस चुनाव में खासकर। इसलिए दादरी विधानसभा पे, ये दादरी गुर्जरों की राजधानी है, इसलिए यहाँ पे मुद्दा रहेगा, खुलकर रहेगा, चुनाव भी इसी पे होगा। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।